बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में समता सैनिक दल के तत्वावधान में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अंबेडकर पार्क विवेकानंद से लेकर सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क तक समता सैनिक दल के सैनिकों द्वारा पैदल मार्च निकाली। साथ ही सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में समता सैनिक दल के सैनिकों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैनिक समता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बीपी गौतम और बहराइच के पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले उपस्थित रहे। समता दल राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्य करते हैं। क्या कार्यक्रम था आज हमारे 66 बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमारा यहाँ मुरादाबाद में मनाया गया। क्या कहने चाहेंगे इस मौके पर? इसके ऊपर ये कहने चाहेंगे, हम समाज को जोड़ रहे हैं, जो भी कोई अत्याचार हमारे समाज पर होता है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आगाह करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ रहते हैं। तो आज कौन आया था यहाँ पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय टेक सिंह गौतम जी, महिला विक की राष्ट्रीय कमांडर माननीय रजनी गौतम जी, राष्ट्रीय पोस्ट कमांडर प्यारेलाल भारती जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरेश चंद्र बोझ जी आए थे और काफ़ी संख्या में हमारे सैनिक आए जो मुरादाबाद में थे, आसपास के बिजनौर से भी आए थे, यहाँ पर उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम ने बताया कि बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिणाम दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर, जो आज यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती से ये टाइम मांगा गया, लेकिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर पूरा पार्लियामेंट समता सैनिक दल के हवाले किया जाता है और सबसे पहले समता सैनिक दल सलूटिंग किया, बाबा साहब की स्टैचू को सलूट मार करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। ये समता सैनिक दल का कारवा आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, बड़ा दुख होता है, दुख के साथ में मनाया जाता है, लेकिन क्या किया जाए, ये परंपरा है, समय के अनुसार जो आया है वो जाता है, लेकिन बाबा साहब का विचार हमेशा जिंदा रहेगा, बाबा साहब के विचार को लेकर के समता सैनिक दल चल रहा है, यही हमारा एक कारवा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर? समता सैनिक दल का उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में समता सैनिक दल पूरे राज्य में फैला हुआ है और जब जब अत्याचार होता है एससी एसटी ओबीसी पर, कहीं भी अत्याचार होता है तो पूरे देश में समता सैनिक दल के लोग जंतर मंतर पर दिल्ली पूरा घेर लेते हैं और अपनी बात को मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, मता सैनिक दल साथ ही दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए बना है और उनकी मांगों को उठाने के लिए वो दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित होते हैं और अपनी मांगे मनवाने का काम करते हैं।